सीमोस इन्वर्टर, सीमोस इन्वर्टर के लिए सबसे पहले आपको एनमोस, ये सीमोस इन्वर्टर एनमोस प्लस पीमोस मिल के बना हुआ रहता है। पहले इसके बारे में जानते हैं। एनमोस में एन चैनल, पी चैनल। एनमोस के बारे में पहला, सबसे पहले एनमोस का सिंबल ड्रेन, ए गेट, ए सोर्स। दूसरा इसका सिंबल होता है इसमें इन इनके और एरो होता है, ए बायरो होता है, इतना फर्क है। और एक होता है पीमोस, पीमोस का सिंबल ड्रेन गेट और सोर्स। ड्रेन गेट सोर्स इसका ठीक अपोजिट होता है। और याद करने के लिए एन मोस है और उसको एन पी एन मान लीजिएगा। एन पी एन में आपको ए बार होता है, ऐसे ही ये सेम होता है। इसको हम पी मोस मानेंगे तो पी एन पी ट्रांजिस्टर मानेंगे। पी एन पी में ये भीतर होता है, इसलिए ये भीतर है। और हम जानते हैं एन मोस के बारे में, तो एन मोस के बारे में हम एक फिगर लेंगे। एन मोस के में होता क्या है, सबसे पहले कि ये इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव होता है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये क्या करता है, तो इसमें हम पॉजिटिव ही देना पड़ेगा इसको गेट में, तो ये ऑन होगा। तो इनपुट ये मान लीजिए आउटपुट, इसमें हम लो हाई का मतलब, लो का मतलब जीरो से कम, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम, और हाई का मतलब थ्रेशोल्ड से वोल्टेज से ज़्यादा। यदि हम यहाँ पे इनपुट लो देते हैं इसका मतलब ये ऑन नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। ये ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा तो इसका मतलब ये ऑफ का काम किया, तो आउटपुट लो ही हो जाएगा। और हाई देंगे मतलब पॉजिटिव हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा देते हैं, तो ये ऑन हो जाएगा, कंडक्ट करने लगेगा, इसीलिए हाई में हाई होगा। हाई के मतलब ऑन हुआ, लो के मतलब ऑफ हुआ। ये हुआ एनमोस। अब पीमोस, पीमोस पीमोस में गैस सोर्स गेट, पीमोस निगेटिव थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, इसीलिए ए निगेटिव में ऑन होगा, मतलब इनपुट आउटपुट। इनपुट लो मतलब निगेटिव का मतलब लो, उसे भी लो हुआ तो ये कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज निगेटिव में होता है। और इसका हाई हुआ, हाई देंगे पॉजिटिव में देंगे तो निगेटिव में ऑन होगा, और ये पॉजिटिव में ऑफ हो जाएगा, इसका मतलब लो। अब ये पी मोस और एन मोस, एन मोस मिला के सी मोस बनता है, और वो सी मोस इन्वर्टर बोलते हैं। कैसे आप देखिए,
सीमोस मीन्स पी मोस प्लस एन मोस। अब पी मोस को हम बनाते हैं, ये हुआ हमारा पीमोस, ये हुआ हमारा एनमोस, ये हुआ हमारा गेट, ये हुआ हमारा ड्रम। यहाँ से हमारा निकलता है पी आउट, ये पीमोस, पीमोस हुआ और एनमोस। आप देखिए जब हम यहाँ पे इनपुट ये हुआ पीमोस एनमोस और सीमोस। देखिए इनपुट हमारा यहाँ पे लो दिए, लो के मतलब हम निगेटिव दे रहे हैं, तो निगेटिव देंगे तो ए पॉजिटिव में ऑन होता है, ये निगेटिव में ऑन होता है, मतलब ये ऑन हुआ पीमोस ऑन हुआ, तो ऑन हुआ तो इसका हाई आउटपुट हाई होगा, ये कंडक्ट करने लगेगा। और एनमोस ये निगेटिव दे रहे हैं तो इस ये कंडक्ट नहीं करेगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है इसीलिए नहीं होगा, तो ये लो हो जाएगा। ये जब लो हुआ तो हमारा जब ये जो वोल्टेज होता है ये कंडक्ट करके हमारा यहाँ आउटपुट होगा, ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं हुआ, ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं हुआ बोले तो यहाँ और यहाँ पे हम जब मल्टीमीटर से चेक करने वाला कोई भी डिवाइस रखेंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ आउटपुट ये जो आउटपुट होगा सही होगा, इसीलिए ये तो हाई है तो हमारा ये आउटपुट हाई हुआ। और इनपुट हम हाई देंगे, हाई के मतलब अब हम पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव में ये ऑन होगा ये ऑफ हो जाए, ये जब ऑन हुआ तो ये जो आउटपुट है ये कनेक्टेड नहीं हुआ और जो यहाँ पे है वो ग्राउंड हो गया, तो ग्राउंड होने के कारण से हमारा क्या होगा सीमोस लो हो जाएगा और पीमोस ये तो निगेटिव होता है तो ये लो हो जाएगा और ये एनमोस हाई हो जाएगा। तो हमारा इनपुट लो देने के बाद आउटपुट सीमोस में हाई है और हाई इनपुट देने के बाद इनपुट में आउटपुट में लो है सीमोस का, इसीलिए हम यह सीमोस इन्वर्टर बोलते हैं। इन्वर्टर का मतलब उल्टा होना, हम लो देंगे तो हाई होगा, हाई होगा हाई देंगे तो लो होगा, ऐसे हमारा सीमोस इन्वर्टर इसको बोला जाता है। सीमोस इन्वर्टर में अब पीमोस एनमोस मिलके बनता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।